एशिया कप 2023 में हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान मुकाबले से पहले क्यों आग बबूला हुए शोएब अख्तर? आखिर क्यों शोएब अख्तर ने भारतीय मीडिया को ठहराया टीम इंडिया की हर हार का जिम्मेदार? वजह जानने के लिए देखते रहें क्रिक इन्फॉर्मर। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने एशिया कप 2023 में भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले हाई वोल्टेज महामुकाबले से पहले टीम इंडिया पर अनावश्यक दबाव बनाने के लिए भारतीय मीडिया की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। उन्होंने हाल ही में एशिया कप 2022 सुपर फोर मैच से पहले एक घटना को याद किया जिसमें मीडिया ने प्रचार प्रसार करने में काफी भूमिका निभाई थी, जिस वजह से टीम इंडिया को वहां हार का मुंह देखना पड़ा था। आपको याद दिला दें, एशिया कप 2022 के सुपर फोर के मुकाबले में पाकिस्तान ने मैन इन ब्लू यानी टीम इंडिया के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 5 विकेट से करारी जीत दर्ज की थी, जिसका जिक्र रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने अपने बयान में किया। शोएब अख्तर ने रेव स्पोर्ट्स पर बात करते हुए कहा, ज्यादातर बार भारत इसलिए नहीं हारता क्योंकि उसके पास प्रतिभा की कमी है, वो अपनी ही मीडिया से मिलने वाले दबाव के कारण हारता है। मैं हमेशा भारतीय मीडिया से ये कहता हूँ कि टीम इंडिया को कुछ समय दें और उन्हें कुछ ढील दें, इतना दबाव बनाने की जरूरत क्यों है? मैं इसे समझता हूँ क्योंकि हम अंदरूनी लोग हैं, लेकिन आखिरकार ऐसा करना गलत है। इसके बाद शोएब अख्तर ने आगे कहा, पिछले साल मैं दुबई में था, मैं भारतीय स्थानीय चैनलों के लिए एक शो कर रहा था, उन्होंने सब कुछ नीला रंग दिया, उन्होंने स्टेडियम खरीद लिया, साथ ही वो एक बात भी कर रहे थे, टीम इंडिया पाकिस्तान को कुचल देगी, इतना दबाव कौन बनाता है? जब आप हमें कमजोर बना देते हैं तो हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि दबाव होता ही नहीं, इसलिए हम जो करेंगे वो ये है कि हम वहाँ जाएंगे और जीतेंगे। वहीं अगर मौजूदा एशिया कप में पाकिस्तान की स्थिति को देखा जाए तो पाकिस्तान ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है। पाकिस्तान ने नेपाल के खिलाफ एशिया कप में उसके डेब्यू मैच में 238 रनों से बड़ी जीत दर्ज की है। वैसे भारतीय मीडिया पर शोएब अख्तर के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।